जन्म लेते ही माता कुंती ने मेरा परित्याग कर दिया, क्योंकि मैं एक शूरवीर पैदा हुआ था। मेरा शूरवीर पैदा होना क्या मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शस्त्र विद्या नहीं सिखाई, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मेरा क्षत्रिय ना होना क्या मेरा दोष था? गुरु परशुराम ने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई, लेकिन जब उन्हें भी ज्ञात हुआ कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, उसी क्षण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, ये विद्या मुझे विस्मृत, मैं भूल जाऊंगा। संयोगवश मेरा वाण उस गाय को लगा था, लेकिन उस गाय के स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। और मैं द्रौपदी के स्वयंवर को कैसे भूल जाऊं? वो तो मेरे अपमान की परिकाष्ठा थी ही। तब माता कुंती ने स्वीकार किया कि मैं उनका पुत्र हूं, ये कर्ण उनका पुत्र है। लेकिन उस वक्त भी उनकी छाती से मेरे लिए ममता नहीं उमड़ी थी, बल्कि वो मेरे क्रोध से अपने 5 पांडवों की रक्षा चाहती थी। मुझे मान सम्मान मर्यादा जो कुछ भी मिला दुर्योधन से मिला, और मैं जानता हूं यह धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन मैं फिर भी दुर्योधन के साथ खड़ा हूं। तो क्या मैं गलत हूं? मैंने कोई गलती की?